नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये कुछ टूल्स दिखाऊंगी और इसकी शॉपिंग मैंने की हुई है, कितने में लिया है ये आपको बताऊंगी, कौन से ब्रांड का है ये भी बताऊंगी। बहुत अच्छे मुझे मिले और बहुत अच्छे लगे, और आप तो जानते ही हैं गार्डन टूल खरीदना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं कहीं देखती हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ ले आती हूँ। अब ये मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं खरीदे बिना इसे रुक नहीं पाई और इसे बाय कर लिया। तो इसे मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि क्या क्या लिया है या किस यूज में आएगा और कितने रुपये का है। छोटी सी वीडियो होगी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस टूल की। ये खरपतवार निकालने के लिए ही है, बहुत अच्छा सा टूल है। ये सारे ही जो भी टूल मैंने लिए हुए हैं लगभग लगभग 100 के अंदर के ही हैं, तो बहुत ही रिजनेबल लगा। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि मुझे महंगा लगा पड़ा है या सस्ता पड़ा है। तो ये मैंने गार्डन का जो भी टूल लिया हुआ है वो मिस्टर DIY से लिया हुआ है। ये एक ब्रांड है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, स्प्रेयर है और भी इस तरह के टूल्स आते हैं जो कि हम गार्डन में भी यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी टूल वहाँ मिलते हैं, अक्सर मॉल में की ये शॉप है तो उसमें अक्सर रहते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, ये सारी चीज़ें, और कार में लगने वाली एसेसरीज, इस टाइप की ही चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे गार्डन टूल वहाँ बहुत अच्छे लगे तो मैं इसे ले आई। तो सबसे पहला ये टूल है, इसे खरपतवार निकालेंगे और किसी भी चीज़ को खींच के बाहर निकालना हो तो उसके लिए ये यूज होगा। वैसे यूज करूँगी तो आपको वीडियो में दिखाई ही देगा। और ये है, देखिए 71 का है और इसमें 2-4-5 रुपये और जब बिलिंग हुई है तो कम हुआ है, तो ये मुझे मिला है, ये 71 का है। तो ये मुझे ठीक ठाक लगा क्योंकि ये देखिए पूरा मेटल का है और पीछे लकड़ी लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसमें बनाने में लगा ही होगा। अगला जो टूल मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये किसी भी चीज़ को खुरचने के लिए है, जैसे बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो तो ऐसे करके उसको ऊपर ऊपर से ही, ऊपर की सतह की मिट्टी निकालनी हो, या कभी कभी मॉस निकालनी होती है मिट्टी से, ऊपर ऊपर की सतह से ऐसे करके निकालेंगे। तो ये मुझे मिला है, आपको वीडियो में ही दिखाती हूँ। ये देखिए 66 का है, ये मुझे लगता है कि 60 रुपीज का मिला हुआ है। बहुत अच्छा ये मुझे लगा और ऐसे घर में भी यूज कर सकते हैं, तो महंगा मुझे नहीं लगा, आप बताइएगा वैसे। और ये वाला जो टूल है, बेसिकली ये मैं लेने वाली थी लेकिन ये है कि ये दोनों भी तीनों अच्छे लग गए तो मैंने इसे भी ले लिया। ये वाला जो टूल है, मिट्टी निकालने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे, जैसे किसी बड़े बोरी में या बर्तन में रखा हुआ है मिट्टी, तो गमले में डालने के लिए, ऐसे निकालने के लिए ये मैंने लिया हुआ। देखिए ये पीछे वुड लगा हुआ है और आगे ये लोहे की जो पतली वाली, एकदम पतला लोहा या मेटल कह सकते हैं, पतला सा लगा हुआ है, अच्छा है ये देखने में और हल्का भी है। जैसे कोई भी चीज़ बहुत भारी होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको यूज में नहीं ले पाते हैं, तो ये बिल्कुल हल्का है और आपका हाथ नहीं भरेगा और बहुत ढेर सारा काम आप लंबे समय तक इससे कर सकते हैं, कोई भी चीज़ निकालनी हो। और ये लंबा भी है, बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है कि आपको यूज करने में दिक्कत हो। तो ये देखिए ये 105 का है लेकिन ये 100 से कम का ही मुझे मिला हुआ है बिल कराने पे। और अगले टूल की बात करूँ तो ये छोटी सी कुदाल जैसी ही है, लेकिन है वो बिल्कुल हैंडी, एकदम छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये देखिए इतनी बड़ी होगी, तो ऐसे ही है। और ये बहुत सख्त, जब मिट्टी हो जाती है बड़े गमलों की तो वो ऐसे निकालने के लिए, कि मिट्टी ऐसे करके निकालने या घास वगैरह निकली हुई है, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये थोड़ा 100 से ऊपर का ही है क्योंकि ये थोड़ा वजन भी है इसमें और ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, तो ये पूरा लोहे का लगा हुआ है इधर, और ये वाला जो हैंडल लगा हुआ है ये प्लास्टिक का है। तो इसको देखते हैं ये कितने का है। देखिए ये 185 का है, मुझे लगता है कि 155 का ये मुझे पड़ा है बिलिंग कराने पे। तो ये सारे जो भी मैंने सामान लिए हैं वो मिस्टर DIY से लिए हैं। अगर आपको कुछ इसमें से अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप भी जा करके अपने नज़दीकी शॉप में इसको ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।